अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। तो भाई, पिटारा ने मस्त जोक मारी कि आज हम लेट उठे हैं क्योंकि बच्चों के स्कूल की छुट्टी है, आज लेबर डे है तो आज हम लेट उठे। मस्त जोक था वैसे पिटारा, क्योंकि तू तो रोज ही लेट उठती है। वो तो तू 11 बजे का टाइम बता रही है, लेकिन ज़रूर 2-3 बज रहा होगा, जो कि तू घड़ी तो कभी दिखाती नहीं है। अगर तू कॉपी करती है ना सबा को, तो सबा हर चीज़ में मोबाइल में टाइम बताती है, हर चीज़ में। तो टाइम बताया करना, कितनी बड़ी तू फ्रॉड है ना, वो हमें बहुत अच्छे से पता है। तो तेरी बातों पे विश्वास है ना, तेरे चमचे कर सकते हम नहीं। आई बड़ी, आज हम लेट उठे। जैसे रोज़ तो बेचारी 5 बजे उठ जाती है, नमाज़ पढ़ती है, घर के सारे काम करती है, बच्चों को तैयार करती है, स्कूल छोड़ के आती है ना। अगर तू रोज़ जल्दी उठती है तो ये बताओ, जब घुंचू गया हुआ था तो बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल क्यों नहीं जा रही थी? सिर्फ और सिर्फ 2-2.5 बजे लेने के लिए निकल जाती थी। छोड़ने के लिए भी जाना चाहिए था ना, अगर जल्दी उठती थी तो। मक्कार औरत। अच्छा भाई, ये नाश्ता लेके बैठी थी, खुद के घर का सालन, जो कौसर ने टिंडों का सालन भेजी वो सालन, चाय, पराठा, इतना सब ये ठूसती है। मुझे रात को कमेंट आ रहे थे कि इतना ज़्यादा, मतलब इतनी सारी चीज़ें नाश्ते में कौन खाता है? तो आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो, ये इसका नाश्ता नहीं है, ये दोपहर का खाना है। क्योंकि ये उठती है 2:30-3 बजे सो के, और जैसे ही सो के उठती है ना, वैसे ही अनीता इसको बेड पे सारा कुछ प्रोवाइड करके देती है, फिर ये हथनी है ना वहीं बैठे बैठे ठूसती है, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। मक्कार औरत 2-3 बजे गई है बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के लिए, और बार बार इस चीज़ को इतना हाईलाइट कर रही है कि 12 बजे बच्चों को ट्यूशन छोड़ना था, 12 बजे छोड़ना था, चलो मैं छोड़ के आती हूँ। एक बात बता, इतना कितना याराना लग रहा है तेरा रमज़ान के साथ में, कि उसको तू काम करने के लिए नहीं देती है। वो क्यों नहीं करता ये सारे काम? तू क्यों बार बार छोड़ने के लिए जाती है? फिर बोलेंगे तो बहुत मिर्ची लगती है। याद है आप लोगों को, सऊदी में भी ये यही करती थी। अगर असगर भाई दही लेने भी जाते थे ना, तो ये साथ में जाती थी। फिर बाद में नतीजा क्या निकला, कि असगर के साथ में मुंह काला कर ली। तो ये सारी चीज़ें पहले से ही रोको, वरना है ना इसके साथ में भी इसका कांड आ जाएगा बहुत जल्दी। नज़र नहीं आता आप लोगों को? हाँ, इसको ना तो अनीता की कंपनी अच्छी लगती है, ना कौसर की, लेकिन रमज़ान के साथ देखो भाई, एक ही रूम में कभी डेकोरेशन कर रही है, कभी कलर कर रही है, कभी क्या कर रही है। वो रूम में ना अनीता है ना गोचू है, ये दोनों अंदर लगे रहते हैं। समझ नहीं आती आप लोगों को, जो औरत हर एक चीज़ छुपाते रहती है, वो रमज़ान को क्यों दिखा दी? क्योंकि रमज़ान के बिना ना इससे रहा नहीं जाता है। ये सोचती है अब उसको हाइड करने के लिए मुझे छुपाना पड़ता है, दूर रखना पड़ता है। तो चलो, मेरे से 2 मिनट भी इसकी दूरी बर्दाश्त नहीं होती है, तो ऑडियंस को दिखाई देती हूँ कि रमज़ान हमारे साथ है। इतनी बेहुदा औरत है ये, इससे एक पल की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती रमज़ान से। वरना सोचो ना, ये क्यों जाती है बच्चों को छोड़ने करने? हाँ, ये कोई बात होती है, रमज़ान इसके साथ वाली सीट पे बैठता है। अब आप लोगों को इसके अंदर कोई बुराई नहीं लगेगी। अगर यही कोई चीज़ें दूसरा कोई कर रहा होता ना, तो तुम लोग बोलते हैं इसका यार है, इसका अफेयर है, इसके साथ सोई है, पता नहीं क्या क्या बकवास करते। लेकिन ये कर रही है ना, तो कोई बात नहीं, जबकि इसकी तो हिस्ट्री रह चुकी है। जो भी मर्द के साथ ज़्यादा चिपकती है ना, उसके साथ में इसकी कंट्रोवर्सी आ जाती है कि मुँह काला कर चुकी। कौन इतना चिपकता है भाई नौकर से? और इसको तो है ही आदत, जवान जवान लौंडे तो बहुत पसंद आते हैं। और जब भी इसका कोई कांड होता है ना, तब गोचू है ना गांव जाता है, ये खुद भेज देती है, और फिर अनजान ऐसे बनती है। अच्छा, अब गांव जा रहे हो? अच्छा, जैसे खुद को तो कुछ पता ही नहीं होता है, खुद भेजती है ताकि पीछे से ये कांड कर सके एकदम आराम से। अब देखो, ये वाले वीडियो में इसने क्या बोली कि पेट्रोल ख़त्म हो गया है। ये रमज़ान को लेके दूर दूर फिर रही थी पेट्रोल भराने के लिए, जबकि गोचू सिर्फ़ 1 दिन के लिए गया है। क्या बोला उसने, मैंने टंकियाँ फुल करवा चुका हूँ। और इसने कितना दिखाई है, एक बार ये मार्केट गई है, एक बार कौसरी लोग के यहाँ गई है, और एक बार ऐसे ही समझ लो स्कूल या ट्यूशन छोड़ने या लेने गई होंगी। अच्छा आप लोग खुद बताओ, इतना तो दूर कुछ था नहीं, तो कैसे पूरा पेट्रोल ख़त्म हो गया? मैं आप लोगों को बोल रही थी ना, ये सिर्फ छोटी सी क्लिप बनाने के लिए ना दिखा देती है, उसके बाद में है ना ये 3-3, 4-4 घंटे के लिए ना रमज़ान को लेके भटकती रहती है। अब आप लोग खुद सोच लो कहाँ भटकने गई होंगी, कहाँ नहीं गई होंगी। क्योंकि वो जो होटल है ना जिसके अंदर इसको बड़ी मज़ा आती है, वो इसके घर से बहुत ज़्यादा दूर है। तो
तो वहाँ पे जाके आएंगी तो पेट्रोल तो ख़त्म होगा ही ना। अच्छा एक बात के ऊपर आप लोग और गौर करना कि ये जब पेट्रोल भराने के लिए गई तो इसने बोली कि रोकड़ा नहीं है तो मैं कार्ड से पेमेंट करूँगी। एक जगह गई वहाँ पे बोले कार्ड नहीं चलेगा, फिर ये दूसरी जगह गई जबकि ये बोलती है कि मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, सब कुछ गोंचू करता है, तो कार्ड से पेमेंट कौन किया? क्या रमज़ान ने किया? और इसको कैसे आ गया? मतलब कितना झूठ बोलती है, यहीं पे आप लोग देख लो। और फिर इसने क्या बोली कि मुझे बाहर निकली तो पता चला कि कैसे खर्चा होता है, कितने का क्या आता है। तो जो बातें हम लोग पहले से बताते हैं ना कि ये औरत कभी भी घर गृहस्थी में और इन सब चीज़ों में इसने कभी भी ध्यान नहीं दिए ना, इसने कभी मार्केट गई है घर का सामान लाने के लिए, ना इसने कभी बच्चे संभालिए, ना इसने घर का कभी कोई काम किए। ये शुरू से अय्याश औरत है, सिर्फ़ और सिर्फ मर्दों की कंपनी लेना, उनके साथ में घूमना फिरना, होटलों में जाना, अय्याशी करना, ये सारा कुछ ये शुरू से आज दिन तलक के कर रही है। वरना ये इतने तो शुरू में डायलॉग मारी थी ना कि घर का खर्चा मैं चलाती हूँ, हाँ कैसे वैसे मैं बचाती थी। तो कोई औरत ऐसा तो हो नहीं सकता है कि शुरू में घर के खर्चे तो चलाती थी, अब तो ये डायलॉग मारती है कि अब पता चल रहा है कि ये क्या किलो है और वो क्या किलो है। अरे किसको बेवकूफ़ बना रही है पिटारा। और देखो जो जो बातें मैंने बताई थी ना वो सारी कुछ इसी के मुंह से ना सच्ची साबित हो रही है कि ये शुरू से अय्याश औरत है। इसने शुरू से ना घर संभाली ना बच्चे संभाली, आज भी ये कुछ भी बनाती है बोलती है मैंने पहली बार बनाई हूँ। और पहले ये क्या डायलॉग मारती थी, मेरे घर में काम वाली नहीं है, मैं खुद काम करती हूँ, मैं खुद बच्चों को छोड़ने जाती हूँ पैदल, मैं खुद मार्केट लेकर आती हूँ, हम लोग जैसे वैसे पैसे संभालते थे, मैं भी जॉब करती थी और गोंचू मुझे पैसे देता था, उसमें से मैं बचाती थी, मेरी सैलरी में रेंट में लगाती थी। और ये तो बोलती है कि इसको ना रस्ते समझते, अब बोलती है ना रस्ते समझते इसको, ना इसको कोई चीज़ का भाव पता है, बोलती है अब पता चल रहा है कौन सी चीज़ क्या किलो मिलती है। तो समझ गए जो बातें हमने बोली थी ना, वो पिटारा खुद साबित कर रही है कि हमने सही बोली थी। ये औरत ने शादी के बाद में जुलूम थोड़े ही दिन में शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से गोंचू इसको कराची लेके आ गया था। कराची आने के बाद में गोंचू कपड़े धोता था, घर के पूरे काम करता था, खाना बना के खिलाता था। बाद में फिर इसने अय्याशियाँ शुरू कर दी, ये मर्द के साथ वो मर्द के साथ। और गोंचू ने पहली दूसरी बार अगर कुछ बोला ना तो इसने मारी थी इसको, ठीक है, जिसके वजह से इनके घर में खूब बड़ी मीटिंग बैठी थी। और उसके बाद में भी गोंचू को बिल्कुल भी शर्म नहीं थी, उसने यही बोल दिया कि नहीं मेरी बीवी है, मुझे मंजूर है, मैं सुधार लूँगा। और क्या सुधरी देख लो, एजाज, रियाज, फियाज, दिशान, इकबाल, अब्बासी, असगर, पता नहीं कौन कौन से बंदे इसके साथ में जुड़ते चले गए। ये गोंचू ने इसके साथ में साथ निभाया है और इसने गोंचू का साथ इस तरह से निभाई है। सोचो कोई गैरतमंद आदमी रहता तो क्या अपनी बीवी को इस तरह से दूसरे मर्दों के साथ में घूमने देता, वो भी बिना अबाया के। अबाया कहाँ गया इसका? आप लोगों को याद है इसने लास्ट टाइम पे अबाया कब पहनी थी? कराची में ये इसके लिए अबाया पहन के घूमती थी ताकि इसके कस्टमर पहचान ना जाए, इसीलिए ये कराची में कम मुँह काला करती थी। ज़्यादातर ये इस्लामाबाद आती थी मुँह काला करने के लिए, लोग इसको गाड़ी में ले लेके आते थे, ट्रेन में ले लेके आते थे। गोंचू है ना ये बेशरम, इसको सब पता है ये सारी बातें, और पैसे के लिए ना ये दल्ला बना बैठा है अपनी बीवी का, घटिया आदमी। और लोग बोलते हैं ना कि इतने पैसे आ गए अब क्या ज़रूरत है पिटारा को ये सब करने की, तो भाई पिटारा को पैसे नहीं चाहिए बल्कि वो सामने से लगाती है पैसे, उसको बीमारी है हवस की, जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताई हूँ। और गोंचू को बीमारी है पैसे की, उसको पैसों की हवस है, इसको क्या हवस है आप लोग समझ ही गए होंगे। इसी तरह से ना दोनों चल रहे हैं बेशरम कहीं के। अच्छा आप लोगों को याद होगा कल की वीडियो में इसने बोली थी कि कौसर को सुबह सुबह दूध पहुंचा देंगे। समझ नहीं आ रहा है कि ये क्यों दूध पहुंचाने के लिए जाती है, दूध कौसर को सुबह सुबह पहुंचा देंगे। फिर ये बोल रही है कि हम लेट सो के उठे हैं, फिर उसके बाद में ये तैयार हुई, लिपस्टिक लगाई, फिर इतने घर में शूट की, फिर बच्चों को लेके छोड़ने के लिए गई। मतलब कि सोचो ये औरत ने कब दूध पहुँचाई होगी, जब ये कौसर के पास में गई है तो उसको पूछ रही है चाय पी लिए, वो बोली हाँ कल का थोड़ा सी दूध बचा था ना तो हमने चाय पी ली। सोचो इसको कितनी हर एक चीज़ की चिंता रहती है, हर एक चीज़ कितना टाइम पे परफेक्ट करती है ना, झूठी और गद्दार औरत। अच्छा एक बात और देखिए आप लोगों ने कि ये बोल रही है कौसर को ना हम दूध पहुंचाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये कैलेंडर जो कवंडर साथ में ले कर निकली थी और फिर ये दूध खरीद रही है
और बोल रही है कि जो दूध वाला आता है ना वो हमें दूध कम देता है, तो यहाँ पड़ोस वाला कोई दिख गया तो उससे हमने दूध मांगा तो उसने दे दिया। अरे पिटारा कितना झूठ बोलती है, सीधे बोलना दूध लेने ही निकली थी तू, घर का दूध तुझे नहीं देना था, बाहर से तुझे लेना था, इसीलिए तो तू बर्तन ले के निकली थी ना। अगर अचानक से ही वो दूध वाला दिख गया था तो तूने पहले से कैसे वो बर्तन साथ में लेके निकली। कितना बेवकूफ़ बनाती है, ऐसे जता रही है जैसे अचानक से दिख गया, अचानक से ले ली मक्कार कहीं की। वैसे ये कौसर के पास में जब दूध देने के लिए गई तो उससे पूछ रही है, रात को डर तो नहीं लगी, जो हमने कल बातें की थी तो डरी तो नहीं? मैंने तो रात को ना खिलौनों के ऊपर चादर दे के सोई थी। अब देखो इसके घर में अनीता है, रमज़ान है, तीन तीन बच्चे हैं, और घर इतना मतलब चहल पहल, सारा कुछ है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सब कुछ है, फिर भी इसको डर लग रहा था गोंचू के बिना, कि गोंचू आएगा ना तभी जाके इसका डर ख़त्म होएगा। कौसर का सोचो, कौसर कितनी अजीब जगह पे रहती है, पीछे देखा ना आप लोगों ने खेत की जगह पे, पूरा दूर दूर तलक के खुला है, सामने भी कुछ नहीं है, ऐसा हॉस्पिटल या कोई किराने की दुकान या कोई चीज़ नहीं है। उसको डर नहीं लगता होगा, उसके घर में तो कोई भी नहीं है, एकदम अकेली रहती है, तो ये किस चीज़ की सिंपत्ति ले रही है? सिंपत्ति तो कौसर को मिलना चाहिए, इसके घर में तो फिर भी कितने जने हैं यार, तीन बच्चे, दो वो मियाँ बीवी, उसके तीन दो बच्चे, इतने जने होने के बाद में भी सिंपत्ति ये ले रही है, और कौसर अकेली छोटे बच्चे के साथ में, तो उसको कोई सिंपत्ति नहीं। वाह पिटारा वाह, क्या दिमाग चलता है तेरा। अच्छा इसके बाद में ये बोल रही थी कि हम पेट्रोल भरवाने गए थे ना तो हम बहुत थक गए, बहुत दूर था, फिर ये रमज़ान को बोल रही है कि हम दूसरी साइड से जाते ना तो वहाँ से नज़दीक था, हम दूसरी साइड से जाते तो नज़दीक था, मतलब कि ये बोलती है कि मुझे रास्ते याद नहीं रहते, मुझे कोई रास्ता नहीं समझ में आता है, इसके लिए मैं रमज़ान को गोदी में ले लेके फिरती हूँ। तो पिटारा तेरे दिमाग में ये कैसे आया कि दूसरी साइड से नज़दीक था, मतलब कि इसको सारे रास्ते सब कुछ पता है भाई, रमज़ान को साथ में ले के ना, अपने यार को साथ में ले के घूमने के लिए ना सिर्फ और सिर्फ बहाना करती है। वरना आप लोग खुद सोचो ना, रमज़ान तो अभी अभी आया है इधर पे रहने, कौन था वो इस्लामाबाद में रह के गया है, उसको सारे रास्ते पता है, और ये जो हर मर्दों के साथ में गली गली घूमी हुई है, हर एक होटल, हर एक गली, हर एक चीज़ इसको जो पता है, इसको नहीं पता होती है, सोचने वाली बात है, नहीं कितना बेवकूफ़ बनाती है ऑडियंस को। लेकिन आज तो ये वाले वीडियो में तो ये खुद ही अपनी सारी पोले खुद ही खोलते बैठी है, कभी तो ये पैसे के नाम से कि आज पता चला कि कितने का क्या आता है, कभी पेट्रोल के नाम से, तो कभी कौसर के नाम से डर लगता है बोल के, तो कभी रास्तों के नाम पे, खुद ही अपने आप की पोल खोलते बैठी है। अच्छा बाकी घोंचू को देख के एकदम सरप्राइज हो गई, अरे आप आ गए, मुझे लगा आप शाम तक आओगे। पिटारा कितने ड्रामे करेंगी पिटारा, वो टॉयलेट भी तुझसे बिना पूछे नहीं जाता है, तुझे अच्छे से पता है कि वो कितना बड़ा तेरा चप्पू है, और जैसे तू डुगडुगी बजाती है वैसे वो नाचता है, तुझे सारा कुछ पता था कि वो कब निकला है, कब कहाँ पहुँचा, कैसे पहुँचा, सारा कुछ पता होने के बावजूद कितना अच्छा एक्टिंग करती है ना ड्रामेबाज, कितनी एक्टिंग करती है, मतलब कि ऐसे जताती है जैसे इसको कुछ भी नहीं पता होता, जबकि हर सेकेंड कॉल करती है, कहाँ पहुँचा, क्या कर रहा है, ये कर वो कर, जैसे अपन बच्चों को नहीं अपने हर एक चीज़ में बोलते हैं ऐसे करो वैसे करो, वैसे ये घोंचू को अपनी डुगडुगी पे नचाती है। और देखो कि लोग बोलते हैं कौसर बहुत बुरी है, कौसर पिटारा के ऊपर जुलूम कर रही है, अब कौसर के घर पे कोई भी नहीं था, छोटा बच्चा है उसके पास में, अभी भी वो डिलीवरी में है, घोंचू आया कभी है? 2 बजे ये बता रही है कि घोंचू आया है, और 4 बजे तक के वो सो गया, रात को 8 बजे उठा, खाना वाना खा के रात को 11 बजे वो कौसर के पास गया है, पूरा दिन वो इसी के पास चिपका हुआ था। पहले तो ये बहाना करती थी कि कौसर अकेली है, मेरे पास बच्चे हैं, इसके लिए वो मुझे टाइम देता है ज़्यादा, अब तो उसके पास में छोटा बच्चा है ना पिटारा, तो अब तो तुझे चाहिए कि वो पूरा पूरा टाइम कौसर को दे, बच्चे को दे, क्योंकि वो उसका हस्बैंड है ना, तू बोलती है ना कि वो तेरी सौतन है, गोंचू का बच्चा है वो, और गोंचू और कौसर मियाँ बीवी है, तो ये कैसी मतलब रिश्ता है, और तू बोलती है 13 साल मोहब्बत है, 13 साल मोहब्बत को बिल्कुल भी एहसास नहीं है, बिल्कुल उसको बच्चे की याद नहीं आई कि मेरा नया नया बच्चा हुआ है तो मैं जल्दी जल्दी पहुंच के बच्चे का मुंह देखूं, बच्चे के साथ खेलूं, अपनी बीवी से तबीयत पूछूं, बिल्कुल नहीं, वो आराम से गेंडा तेरे पास में मरा हुआ पड़ा था। रिटारा सच में कौसर उसकी वाइफ है,
या उसके घर पे कोई और रह रहा है जो उसका हस्बैंड है, खेत वाले जो जगह है वहां पे छुप जाता है तेरे जाने से। अरे मकारन, तेरी सारी पोल पट्टियां खुलेंगी, ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं। बाकी ये चीज प्रूफ है कि इसको पहले से पता था कि गुंचू आ गया है, ये जाके कौसर को झूठ बोल के आई है कि शाम को आएगा, और बाद में आके एक्टिंग कर रही थी, अरे आप आ गए, अरे आप आ गए। आप लोग खुद सोचो कि जब ये कैमरा लेके अंदर घुसी है तो गोंचू इसकी अम्मा वाले रूम में से बाहर निकला है, वरना आप लोगों को पता होगा कि गोंचू हमेशा कहीं ना कहीं फैले रहता है, कभी सोफे पे तो कभी कुर्सी पे, लेकिन हॉल में ही रहता है, या तो फिर जाके रूम में सोया मिलेगा। लेकिन ये बार क्या हुआ, ये रूम में छुपा हुआ था, इन लोग आए ना तो वो अचानक से बाहर निकला। सोचो कि ये तारा प्री प्लान नहीं था कि मैं आऊँगी कैमरा लेके, आप बाहर निकलना, फिर मैं ऐसी एक्टिंग करूँगी, फिर तुम सरप्राइज दे देना। साफ नज़र आ रहा था कि प्री प्लान था, फ़ोन पे बात हो गई थी, इसने उसको सिखाई थी कि ऐसे ऐसे करो, और फिर गोंचू ने किया है। पिटारा, किसको बेवकूफ़ बनाती है तू? अच्छा भाई, पहले तो इसने बोली कि जो दोनों मियाँ बीवी है, रमज़ान और अनीता, वो ऊपर चले गए हैं अपने बच्चों के पास, खाना वाना खा के सब ऊपर चले गए हैं, और वो पीछे से ही देखे तो दोनों जने खड़े हुए थे। फिर ये बोलती है कि हलीमा को वहाँ पे भेजे तो इसके बच्चे परेशान करते हैं, तो ये तीसरे माले पे, और पूछ रही है तीसरे माले पे हो ना, तीसरे माले पे ना बच्चे, बोल रही है हाँ, तो बोल रही है हाँ, फिर बच्चे रहते हैं ना तो ये ऊपर भागती है नीचे आती है, बहुत परेशानी हुई है 2 दिन से, अब परेशानी ख़त्म हो जाएंगी। मतलब सोचो कि पिटारा को ना तीन तीन नौकर भी कम पड़ते हैं, एक तो गोंचू, दूसरा अनीता, तीसरा रमज़ान, इसको वो भी चाहिए हलीमा, जिसको लाए थे ना तो ये नाम से लाए थे कि ये कौसर के पास में रहेंगी, ये कौसर की देख रेख के लिए आई है। अब इसके मुंह से क्या निकला, अनीता के बच्चों की देख रेख के लिए आई है, अनीता के बच्चे संभालने के लिए भी इसने नौकरानी रख ली, लेकिन कौसर के लिए कोई नौकरानी नहीं, कोई हेल्पर नहीं, कुछ नहीं। अब गोंचू आ गया है तो पूरा दिन इसके पास में रहेगा, रात में सोने जाने का ड्रामा करेगा, और इसके पास में इतने नौकर होने के बावजूद बेचारी बहुत परेशान रहती है। लेकिन कौसर के पास में 2 दिन के लिए खाली वो चली गई है हलीमा, तो ये लोग परेशान हो गए। सोचती मैं ये हूँ कि भाई वो जब दोनों जने नीचे थे तो क्या वो छोटे छोटे बच्चे ऊपर अकेले थे, वो भी तीसरे माले पे, अल्लाह ना करे कुछ कम ज़्यादा हो जाए बच्चे को। मतलब मेरे सुन के अजीब लग रहा है कि इतने अगर किसी के बच्चे रखी है घर में नौकरानी के, तो फिर उनको अपने बच्चों की तरह आज़ाद घर में खेलने क्यों नहीं देती है। सोचो कितनी ज़्यादा कट्टर दिल औरत है ये, कि उसके बच्चे लोगों को नीचे लाती ही नहीं है, तीसरे माले पे रखो बोलती है। दोनों मियाँ बीवी इधर पे है, हलीमा कौसर के पास में है, मतलब के बच्चे ऊपर अकेले एकदम। सोचो कितनी कट्टर दिल औरत है ये, कितनी बकवास औरत है ये, अल्लाह ना करे इसके बच्चों को कुछ हो जाएगा ना, उसकी जिम्मेदार ये पिटारा होगी और कोई नहीं। और इसके खुद के बच्चे खुद ही कितने बदतमीज़ है, देखे नहीं आप लोगों ने, कि वो इतनी सी है ना, वो अनीता अनीता करती है, नाम लेती है वो, लेकिन ये ज़रा सी भी तमीज़ नहीं डालती है कि आंटी बोल दे या कुछ बोल दे, नहीं, हर किसी को इसके बच्चे लोग नाम लेके बुलाते हैं। और सोचो घमंड इतना अंदर भरा हुआ है, इसने खुद ने बच्चों में इतना घमंड भर दिए, तो इसके बच्चे अनीता के बच्चों को बर्दाश्त करेंगे कि ये चीज़ ना छुओ, वो चीज़ ना छुओ वाला काम होएगा ना, तभी तो तीसरे माले पे बंद करके रखते हैं। बहुत जल्लाद औरत है भाई, सोचो ये दूसरों के बच्चों के ऊपर जब रहम नहीं कर सकती है तो कौसर की तो ये क्या ही हालत करती होगी। वैसे गोंचू ने आज पिटारा को इस वीडियो में बड़ा दुख दिया, क्योंकि ये इंतज़ार कर रही थी कि खाना बन जाएगा ना तो फिर ये और क्या नाम है गोंचू मिल के साथ में खाना खाएंगे। फिर अनीता इसको खाना देने गई तो उसने बताई कि ये तो मेहमानों के साथ में खा लिए, लेकिन पिटारा को चाहिए था मेहमान अलग खाएंगे, अपन दोनों साथ में खाएंगे। और ले 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 पिटारा, इतना प्यार आने लग गया तुमको, कितनी झूठी और मक्कार औरत है तू। अच्छा वीडियो की एंड में क्या कह रही है पता है, मैं थक गई हूँ गाड़ी चला चला के, अब हस्बैंड आ गए हैं तो अब वो खुद बाहर का निपट लेंगे, वो खुद जिम्मेदारी उठा लेंगे। अरे भाई, गाड़ी चला चला के पहली बात कौन थकता है, कौन सा, तू बहुत दूर चली गई थी गाड़ी लेके। हाँ, तू खुद साबित करना चाहती है ना कि तू बहुत दूर दूर गाड़ी लेके गई थी। और दूसरी बात के तुझे कौन बोला था थकने, तुझे तो बल्कि जाने की ज़रूरत ही नहीं थी,
रमजान था ना, उसको आती है ड्राइविंग करने के लिए, वो ड्राइवर है, तो तुझे तो जाने की जरूरत ही नहीं थी। तू खुद अपने शौक के लिए यहाँ वहाँ मुंह काला करने के लिए होटलों में जाती रही है रमजान को ले लेके, और फिर एंड में ये डायलॉग बोलना कि मैं तो गाड़ी चला चला के थक गई हूँ। अच्छा है कि सलमा की तरह तू पूरे घर की जिम्मेदारियाँ नहीं निभा रही है, वरना तो तू मरी जाती। और सलमा गाड़ी चलाती है ना जब कोई भी नहीं होता है या मजबूरी होती है ना, तो वो बच्चों को लेने छोड़ने मार्केट वगैरह चली जाती है, लेकिन तू है ना सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए गाड़ी ले लेके निकलती है। फिर बाद में डायलॉग क्या होता है, बेचारी थक गई है, बताओ बेड पे बैठे बैठे खाना कावा चाय ये वो कपड़े वगैरह सब मिलते हैं, सिर्फ 2-2 मिनट गाड़ियाँ चला के ही बेचारी थक गई है, जबकि ऑप्शन था रमज़ान, ये उससे बाहर के काम करवा सकती थी, लेकिन देखो सिंपथी कैसे लेती है, जाके गोंचू को गालियाँ पड़े कि देखो बेचारी थक गई, गोंचू तो घूमने चला गया था, गोंचू तो कौसर की माँ को छोड़ने गया था, एक तीर से इतने सारे निशान, बहुत दिमाग लगाती है, बहुत चालू औरत है। तो चले जी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।